हाय गाइस, मैं आशीष कुमार सिविल इंजीनियर, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हनुसर। आज के वीडियो में हम एक खास टॉपिक देखेंगे, बेंड डिडक्शन। जब भी आप कॉलम बीम रूफ स्लैब में स्ट्रिप्स या मेन रेनफोर्समेंट जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसका जब टोटल कटिंग लेंथ निकालना होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि बेंड डिडक्ट करते हैं। तो इस केस में हम देखेंगे कि फर्स्ट तो देखेंगे कि बेंड डिडक्शन क्या होता है और सेकेंड देखेंगे कि बेंड डिडक्शन का वैल्यू क्या होता है। तो दोनों चीज को हम खास तौर पे समझेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपका रेनफोर्समेंट है, ये आपका रेनफोर्समेंट है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये रिंग है, इस रिंग का रेनफोर्समेंट है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बेंड हुआ है, यहाँ पर बेंड हुआ है, यहाँ पर भी बेंड हुआ है। तो ये एक रिंग है जो कि ये जो बेंड हुआ है 135 डिग्री पे और ये आपका 90 डिग्री पे बेंड है। तो ये जो बेंड हुआ है ये आखिर बेंड हुआ कैसे है और इसका लेंथ क्या होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो बेंड हो रहा है तो ये यील्ड स्ट्रेंथ के कारण क्या होता है, रेनफोर्समेंट वो स्ट्रेच करता है, स्ट्रेच करता है तो उसका थोड़ा सा लेंथ जो है इंक्रीज कर जाता है। तो वह जो थोड़ा सा लेंथ इंक्रीज करता है उसी को हम लोग बेंड डिडक्शन बोलते हैं। तो उस लेंथ को क्या किया जाता है कि जब भी हम मेन रेनफोर्समेंट का कटिंग लेंथ निकालते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, घटाया जाता है, यानी डिडक्ट किया जाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बेंड डिडक्शन का जो आप वैल्यू यदि निकालिएगा तो ये क्या वैल्यू होगा, ये आपका देख रहे हैं कि स्ट्रेट आएगा और ये आपका स्ट्रेट रहेगा। देख रहे हैं कि ए जो है ये आर्क बना रहा है तो ए क्या होगा, डिडक्ट होगा। इस टाइप से बेंड डिडक्शन का वैल्यू निकलेगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो बेंड होगा रेनफोर्समेंट वो यदि 90 डिग्री पे आपका बेंड होगा, फर्स्ट केस हम देखेंगे 90 डिग्री पे यदि बेंड होगा, जैसे आप देख रहे हैं कि ये आपका जो है 90 डिग्री पर बेंड हो रहा है, कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे बेंड हो रहा है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर जब बेंड होगा तो इसका जो वैल्यू होता है वो आपका 2D होता है, यानी डी जहां पर क्या है, डाया ऑफ रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे 45 डिग्री पे, जब 45 डिग्री पर बेंड होगा तो उस केस में बेंड डिडक्शन का वैल्यू क्या होगा। तो ये देख रहे हैं हम कि ये 45 डिग्री का एंगल है, ये आपका कितना है, 45 डिग्री का एंगल है। तो 45 डिग्री का जब बेंड बनेगा यहाँ पर तो उस केस में जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, बेंड डिडक्शन 1D होगा, जहां पे D क्या है आपका, डाया ऑफ रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट देखेंगे जब वह आपका 135 डिग्री पर बेंड होगा, तो 135 डिग्री पर जब बेंड होगा यानी आपका ये जो वैल्यू है कितना है आपका 135 डिग्री। 30 डिग्री पर जब वैल्यू होगा तो इसका जो बेंड डिडक्शन का वैल्यू होगा वो आपका 3D होगा। और नेक्स्ट जब देखेंगे हम कि 180 डिग्री पर बेंड होगा, यानी ये जो है आपका 180 डिग्री, ये वैल्यू कितना है 180 डिग्री, 180 डिग्री पर बेंड होगा तो बेंड डिडक्शन का जो वैल्यू होता है वो हम लोग कितना प्रोवाइड करेंगे, 40। तो इस टाइप से जो है बेंड डिडक्शन का जो वैल्यू है हम लोग कंसिडर करते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि 45 डिग्री के लिए 1D, 90 डिग्री के लिए 2D, 135 डिग्री के लिए 3D और 180 डिग्री के लिए 4D। तो जब भी हम कॉलम बीम स्लैब में जब भी हम मेन रेनफोर्समेंट का कटिंग लेंथ या स्ट्रिप्स का कटिंग लेंथ निकालेंगे तो उसमें बेंड डिडक्शन जो है घटाया जाता है और इसका वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे, इस टाइप से।